नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी बोलती हुई नजर आ रही है ऋषि से कि अगर जिस तरीका से तुम बलविंदर की जगह अगर बैठे थे, अगर वहां पर तुम्हारी शादी हो जाती मेरे से तो उसने बोल दिया था कि मैं बलविंदर से नहीं होने देता, इतना कन्फर्म है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि इधर मलिष्का बोलती हुई नजर आ रही है कि चलो फाइनली अब लक्ष्मी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है हमारी लाइफ से, अब इसकी शादी बलविंदर से बस 2 मिनट की दूरी और है और फिर इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इतना इजीली नहीं है, क्योंकि सब कोई लोग इस समय आखिरकार उस शादी को देख रहे हैं कि लक्ष्मी ने इतनी इजीली शादी कैसे कर ली है बलविंदर से। अगर बलविंदर की बात की जाए तो बलविंदर इस समय बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बलविंदर को लग रहा है कि मेरी शादी तो सही हो रही है और वो ही वो चाहता था। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय की बड़ी अपडेट हम लोगों के पास में आ रही है कि बलविंदर एक बार फिर से दुल्हन को सिंदूर लगाएगा, लेकिन उस समय सालू बोलती हुई नज़र आने वाली है कि बलविंदर एक काम करना, दुल्हन का चेहरा मत देखना, क्योंकि तुम दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाओगे, ये एक रिवाज होता है, जिसके बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं। हालांकि बलविंदर की बात की जाए तो बलविंदर को भी शौक लगने वाला है दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बलविंदर के साथ में कुछ इस तरीके की घटनाएँ भी घटती हुई नज़र आने वाली हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अपने आपे में चालाक था उसके साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि बलविंदर बहुत ज़्यादा चालाक शख्स है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मलिष्का थी, क्योंकि मलिष्का की अगर बात की जाए तो मलिष्का इस समय दूल्हे का चेहरा तो देख ही चुकी हैं, क्योंकि दूल्हे तो बलविंदर ही है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।